एक न्यू व्लॉग वेलकम कर दिया यार मैंने न्यू व्लॉग में। तो यार आज कुछ सीन ऐसा है कि आज हमने लेने जाना है देसी अंडे। यार तुम लोगों को तो पता है कि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में बंदा क्या खाएगा। यार हमने कहा देसी अंडे लेने जाते थे, देसी अंडे खाएंगे सर्दियों में। तो अभी हमने जाना है मुर्गी की शॉप पे देसी अंडे लेने। तुम लोग सोचो यार मुर्गी की शॉप पे देसी अंडे लेने जा रहे हैं। यार हम इसलिए जा रहे हैं मुर्गी की शॉप पे क्योंकि आम जो बेकरी और स्टोर्स में जो देसी अंडे होते हैं आम बेकरी स्टोर्स पर, वो नकली देसी अंडे होते हैं। यानी कि वो देसी अंडे के नाम पर वो ओरिजिनल देसी अंडे नहीं बेचते, वो नकली देसी अंडे के नाम पर बेच रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मुर्गी की शॉप पे प्योर मुर्गी का निकले हुआ देसी अंडा हम खाएँगे आज। तो हमें भी जाना है, तो अभी हम क्लिनिक पे आए हुए थे, अभी हम निकलेंगे तो हम जाएंगे देसी अंडे लेने मुर्गी वाला शॉप पे। तो अगर हम खा लेंगे या हम देसी अंडों का चूज़ा वगैरह निकलवा लेंगे अंदर से, चूज़ा देसी चूज़े निकलवा लेंगे, फिर जब वो देसी चूज़े बड़े करेंगे पाल तो उसकी मुर्गी होगी, फिर वो अंडे देगी, उसके अंडे खाएँगे, मज़ा करेंगे। चलो देखते हैं, अगर चूज़े निकल गए तो ठीक है, वरना वो अंडे खा लेंगे। तो अभी हमने जाना है, तो अभी चलते हैं। तो अभी तुम लोग को वहाँ फिर मुर्गी की शॉप पे जाके मिलते हैं। देसी अंडे लेके हम घर पहुँच चुके थे, तो अभी हमने मुर्गी की दुकान पे व्लॉग नहीं बना सका मैं, कुछ चार्जिंग चुर्जिंग मोबाइल की ख़त्म हो गई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बाकी मैं घर पहुंच चुका हूं और देसी अंडे हम ले आए हैं, सर्दियों की सुगात देसी अंडे हम ले आए हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूं देसी अंडे। अभी मैं रखे हुए तो देसी अंडे मैं लाता हूं, फिर दिखाता हूं मैं देसी अंडे। ये हैं देसी अंडे, तुम लोग देख सकते हो, देख सकते हो ये देसी अंडे हैं, बिल्कुल गोल्डन ही गोल्डन ही गोल्डन गोल्डन ये देसी अंडे आ चुके हैं। तो अभी हम खाएंगे ये सर्दियों की सुगात, गरम गरम ऑमलेट बना के इसका देसी अंडे का, तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, हमारे मुंह के अंदर गर्माइश हो जाएगी और अलग ही मज़ा आ जाएगा। तुम लोग भी खाना चाहते हो तो खा लो ये गोल्डन ही देसी अंडे, बाकायदा प्रॉपर। ये मैं कहता हूँ कि वो जो हम लाते हैं यानी कि कोई जनरल स्टोर या कोई भी वहाँ से हम बेकरी वगैरह से, तो वो ऐसा अंडा नहीं होता, उस पर रंग क्या होता है और वो डल कलर होता है। ये तुम लोग देख सकते हो ये ओरिजिनल अंडा मुर्गी का निकला हुआ, ये लेमन ब्राउन मुर्गी का निकला हुआ, प्रॉपर गोल्डन गोल्डन ही देसी अंडा प्रॉपर ये होता है देसी अंडा। इसमें से तुम लोग बच्चा भी निकलवा सकते हो, मगर बच्चा थोड़ी सी गर्मियों में निकलवाते हैं, यानी कि थोड़ा धूप भी हीट वगैरह भी सनलाइट वगैरह चाहिए होती है, तो थोड़ा सा गर्मी में निकलवाते हैं, बच्चा भी निकल सकता। अभी मगर सर्दियाँ हैं कोई बात नहीं, प्रॉपर मुर्गी प्योर मुर्गी का निकला हुआ, प्योर देसी मुर्गी का निकला हुआ देसी गोल्डन ही अंडा लेमन ब्राउन मुर्गी का। तो ये दो लाए हैं अभी, तो अभी इसको हम खाएँगे ऑमलेट बना के इसका ऑमलेट, तो गरम गरम ऑमलेट बनाएंगे और गरम गरम अंडे का हम ऑमलेट बना के खाएंगे। अब देखो तुम लोग देख सकते हो कि वलायती अंडे और देसी अंडे में कितना फ़र्क होता है, यानी कि हम जो वलायती अंडा खाते हैं और वलायती अंडा उसमें कितना फ़र्क होता है, वो इतना वाइट होता है और वो बिल्कुल ताकत नहीं होता, फोका अंडा होता है। तो और ये जो देसी अंडे में ताकत भी होती है, उसका कलर कितना गोल्डन ही होता है, ये होती है देसी अंडे की निशानी, कलर इसका डार्क होता है और गोल्डन ही होता है। तो अब तुम लोग दूसरा अंडा भी देख सकते हो कि अब तुम लोग अगर दूसरा अंडा देख सकते हो तो दूसरे अंडे का भी कलर डार्क ब्राउन है, यानी कि अब यहाँ तुम लोग दोनों रखोगे तो ये दोनों अंडों के कलर डार्क ब्राउन है, यानी कि एक कोई ये नहीं कि कोई एक का मतलब, यानी कि वहाँ सारे अंडों के कलर गोल्डन ही डार्क ब्राउन थे। ये होता है अगर ओरिजिनल देसी अंडे की पहचान। तो अभी हम मज़ेदार सा इसका ऑमलेट बना के खाएंगे। तो वैसे मैंने कहा यार अभी थोड़ी सनलाइट आती नहीं, धूप तो आती नहीं, इतनी सर्दी पड़ गई है, तो अभी थोड़ी सी गर्मी आएगी तो हम यही देसी अंडे लाएंगे, इससे बच्चे निकलवाएंगे, बच्चे मुर्गी के बच्चे, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी तो हम गर्म गर्म ऑमलेट खाएँगे देसी अंडे का, वो भी तो जो जो देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ रहा होगा ये गोल्डन ही ब्राउन देसी अंडा देखकर, जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके मुंह में तो पानी आ ही चुका होगा ये गोल्डन ही ब्राउन देसी अंडा देख के, लेमन ब्राउन मुर्गी का देसी अंडा।
पास मुर्गी भी पड़ी थी, मुझे लग रहा वही उसने दी है मुर्गी ने, उसके पास मुर्गी पड़ी हुई थी, देसी मुर्गी पड़ी हुई थी बाहर, तो मैंने वो भी रेट शीट पूछा। मेरा मूड तो बन रहा है मुर्गी लेने का देसी, ताकि अंडे खाएँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-1 महीने वेट कर लूँ, थोड़ी सी गर्मी आ जाए फिर लूँ, क्योंकि यार सर्दियाँ हैं, कोई बीमार बीमार हो जाए कोई तबार नहीं है, तो इसलिए अब छोटे छोटे चूज़े को तो हीट हीट दे देते हैं, अब इतनी बड़ी मुर्गी को कहाँ संभालते फिरेंगे, तो अभी 2-3 महीने वेट करते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला हम सोच रहा हूँ रमज़ान में लाएंगे देसी मुर्गी, और फिर रमज़ान में भी देसी मुर्गी के अंडे फोड़ेंगे, मज़ा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये इसका भी ऑमलेट बनाते हैं, फिर करते हैं फिर अब ऑमलेट बना के तुम लोग पर दिखा नहीं सकता, फिर तुम लोग के मुँह मुँह में फिर पानी टपक जाना है सारा सारा, फिर कौन संभालेगा इतना सारा पानी तुम लोग के जो मुँह में टपकेगा, तो मैं तुम लोग को लचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम लोग को ऑमलेट बना के नहीं दिखाऊँगा, बस मैं ही खुद इन्जॉय करूँगा और मैं ही अपना मुँह में पानी टपकाऊँगा। तो कोई बात नहीं, जिनका मुँह में पानी टपक रहा है तुम लोग भी मुर्गी की शॉप पर जाओ, ये गोल्डन ब्राउन देसी अंडे लेके आओ, तो स्पेसिफिक मुर्गी की शॉप पर जाना है जहाँ मुर्गियाँ ज़्यादा हों, क्योंकि वही देसी अंडे होंगे गोल्डन ब्राउन, और ये लेमन ब्राउन जो मुर्गी होती है उसके इस तरह के अंडे होंगे, तुम गलत फैब्रिक में ना रहना कि तुम लोग कोई नॉर्मल मुर्गी के ले आओ, तुम लोग इतने ये डार्क है ही नहीं, तो ये डार्क अंडे लेमन ब्राउन मुर्गी के होते हैं। तो बाकी यार यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कंटेंट में, बाकी बस और भी मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। और अब मैंने तुम लोगों को नहीं बताया कि मैंने एक अंडा रखा था चूज़ा निकलवाने के लिए, अल्लाह करे यार दुआ तुम लोग पढ़ो कि चूज़ा निकला है उसमें से, अभी मुझे मैंने टोटल अलार्म नहीं लगाया था कि पता नहीं अभी कितने दिन हुए, 21 दिन बाद चूज़ा निकलता है, तो मगर वो वलायती अंडा था, तो देखते हैं निकला है तो ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि मेरे ख़्याल से भी 10-12 दिन हुए हैं, तो 21 दिन बाद देखेंगे निकलाना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह फिस